Hello my dear student, I am your teacher of science and as you know today's 10 of our science book. Let's see what is our work in today's class. Dear student, अब तक हमारे 2 chapter complete हो गए थे, nutrition in animal, nutrition in plant. ये 2 हमारे chapter अच्छे से हो गए. अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि animals और plants में nutrition कैसे प्राप्त होता है और animals और plants हमारे लिए, हमारे nutrition के लिए किस प्रकार से उपयोगी. ये 2 chapter मैंने आपको पढ़ाए थे. मेरा intention यही था कि आपको समझ में आए animal और plants हम humans के लिए कैसे हमारे nutrition का source होते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3rd चैप्टर, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर, फाइबर कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट होते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा. यानी फाइबर तो हमने काफ़ी देखे लेकिन वो फैब्रिक कपड़ों में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं या कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा. तो सबसे पहले करेंगे हम इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में परिचय करेंगे, देखिए किसका करेंगे. इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. पिछली क्लास में हमने 6th क्लास में पढ़ा था किसके बारे में, फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा था. यू हैव आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. और आप अच्छे से जानते हैं कि वूल और जो सिल्क होता है वो ऐसे फाइबर होते हैं जो हमें किनसे प्राप्त होते हैं, वो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं. वूल इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्लिश ऑफ शीप और याक. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ. अब आप जानते हो कि वुल फाइबर जो होता है वो किससे प्राप्त होता है, फ्लिश का मीन होता है बाल, हेयर. जो शिप और याक के जो हेयर होते हैं उससे हमें वुल फाइबर प्राप्त होता है. और सिल्क जो है, सिल्क फाइबर, जैसे सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सिल्क फाइबर जो है सिल्क मॉथ के कोकून से प्राप्त होता है. अब ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ कि सिल्क मॉथ से, कोकून से हमें सिल्क किस प्रकार प्राप्त होता है, फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा. Do you know which part of the sheep's body yield fiber? क्या आप जानते हो कि शिप की किस बॉडी पार्ट से हमें फाइबर प्राप्त होता है? Are you aware how these fiber are converted into woolen yarn that we buy from the market to knit sweaters? और क्या आप जानते हो कि जो फाइबर हमें प्राप्त होते हैं उनको यान धागों में कैसे, यान क्या होता है, धागा, वुलन धागे जो होते हैं उनमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और जो हम मार्केट्स में से स्वेटर लेके आते हैं वो इन फाइबर से कैसे स्वेटर्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्या आपको इन सब के बारे में पता है? डू यू हैव एनी आइडिया फ्रॉम सिल्क फाइबर आर मेड इन टू सिल्क विच इज़ वोवन इन टू सारी. और क्या आपको आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर हमें सिल्क मॉथ से प्राप्त होता है उससे हमें साड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, यानी साड़ियाँ कैसे बनती हैं? सिल्क मॉथ से हमें सिल्क प्राप्त होता है और उसी सिल्क से धागे कैसे बनते हैं और साड़ियाँ कैसे बनती हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसी चैप्टर में हम यही करेंगे, इन जो हमारे क्वेश्चन है यानी फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, इसी क्वेश्चन को आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे. देखिए वुल द एनिमल फाइबर, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा वुल का. सिल्क का हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी है अपनी वुल की. वुल द एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर होता है आप अच्छे से जानते हैं. वुल हमें एनिमल से मिलता है, किन एनिमल से मिलता है और वो फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है वो देखिए. वुल बियरिंग एनिमल्स, अब सबसे पहले आएंगे वुल, जिनसे ऐसे एनिमल जिनसे हमें वुल प्राप्त होती है. वुल इज द कॉमन नेम अप्लाइड टू सॉफ्ट कर्लिंग फाइबर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द फ्लिश ऑफ डोमेस्टिकेटेड शिप. वुल जो होता है कॉमन नाम है जो हमें कैसा होता है, ये कर्ली फाइबर होता है यानी घुंघरालू फाइबर होता है जो ज़्यादातर जो शिप जो होती है घरों में जो शिपें पाली जाती हैं इनसे हमें प्राप्त होता है. The other wool bearing animals are, और उसके अलावा यानी शिप से तो हमें मिलते ही हैं वुल, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल प्राप्त होता है यानी ऊन प्राप्त होता है. फर्स्ट याक रियर इन तिब्बत एंड लद्दाख. लद्दाख, लद्दाख में क्या होता है, तिब्बत और लद्दाख में याक जो होता है जो ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, याक से भी क्या होता है, वुल प्राप्त किया जाता है. अंगोरा गोट्स एंड शीप रियर्ड इन कश्मीर, कश्मीर में अंगोरा गोट्स और जो शिप है उनसे वुल प्राप्त किया जाता है. केमल्स रियर्ड इन राजस्थान, राजस्थान में केमल से वुल प्राप्त किया जाता है. लेमा एप्रिका एंड वेकेना रियर्ड इन साउथ अमेरिका, इन लेमा एप्रिका एंड वेकेना इनका रियरिंग जो है वो साउथ अमेरिका में की जाती है, यानी साउथ अमेरिका में इन सबसे वुल प्राप्त किया जाता है. अंगोरा रेबिट रियर्ड इन कश्मीर इन एंड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में अंगोरा रेबिट्स, अंगोरा रेबिट्स और अंगोरा जो गोट्स होती है इनसे क्या किया जाता है, वुल प्राप्त किया जाता है. अब यहाँ आगे देखिए,
यहाँ आपको डायग्राम दिया है अंगोरा शिप जिसका कहाँ होता है कश्मीर में, गोट अंगोरा गोट, अंगोरा गोट, याक, लेमा, विकेना, कैमल, एपेलका एंड अंगोरा रैबिट। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे क्या किया जाता है, जिनसे हमें वूल प्राप्त होता है, इनको रियर करके हम वूल प्राप्त करते हैं। अब आगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, वूल के क्या गुण हैं, वूल इतने ज़्यादा हमें क्यों यूजफुल होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। फील द हेयर ऑफ योर बॉडी सच एज हेड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यू विल नोटिस दैट द हेयर ऑफ ऑन द रेस्ट ऑफ बॉडी आर वेरी सॉफ्ट एज कम्पेयर टू द हेयर ऑन द हेड और द आर्म्स। आप क्या कीजिए, आप अपनी बॉडी के जो बाल हैं जैसे कि अपने सर के, अपने बाकी बॉडी के बाल, यानी सर के कंपैरिजन और हमारी बाकी बॉडी के कंपैरिजन, इन दोनों के बालों का महसूस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे सर और हाथों के बालों के कंपैरिजन में बाकी की बॉडी के जितने भी बाल हैं, हेयर हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। कैसे, बाकी हमारे सर के जो बाल हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के बाकी बॉडी के जो पार्ट्स के बाल हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। देखिए, मच द सेम वे द हेयरी स्किन ऑफ ए शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट फ्लेशन। और ठीक वैसे जैसे हम इंसानों में दो तरीके के बाल होते हैं, हमारी बाकी बॉडी पे अलग बाल, रेस्ट ऑफ द हेड यानी शरीर, सर को छोड़ के अलावा जितने भी बाल हैं वो अलग होते हैं और सर के बाल अलग होते हैं, इनका फाइबर बाल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक वैसे ही शिप के बाल जो है बाकी बॉडी के पार्ट और सर के बाल वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वो देखिए कैसे। द कोरस रफ हेयर कॉमनली कॉल्ड बियर्ड हेयर और कैम, कोरस रफ यानी कि जो थोड़े रफ बाल होते हैं जो क्या कहलाते हैं, दाढ़ी के बाल कहलाते हैं। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन ऑफ द शिप कॉमनली कॉल्ड वूल, और एक ऐसा फाइन सॉफ्ट वूलन जो क्या होती है उसकी बॉडी से जस्ट टच जो होते हैं, जस्ट टच स्किन से टच जो हेयर होते हैं उनको वूलन कहा जाता है, और ये थोड़े फाइन होते हैं कंपेरिजन टू बियर्ड के बालों की। द वूल फाइबर हैज़ स्केल्स विच ओवरलैप द सिंगल्स ऑफ द रूफ, वूल फाइबर जो होता है उनके पूरी बॉडी के ऊपर पाया जाता है। फर्दर मोर इट इज क्रेम्प्ड एंड इन सम केसेज हैज़ मोर देन 8 बैंड्स पर सेंटीमीटर, और इसके अलावा कुछ केसेज में इनमें क्रेम्स भी, गांठे भी पाए जाते हैं जो लगभग 1 सेंटीमीटर में 8 बैंड तक हो सकते हैं। The number of creams per centimeter determines fineness of wool fibers. जितने ज़्यादा creams होते हैं बालों में यानी हेयर वूल में, जितने ज़्यादा creams होते हैं वो decide करते हैं किसकी fineness की, wool की जो fineness है, wool fiber जो होता है उसकी अच्छाई की उसको decide करते हैं। जितने ज़्यादा creams होते हैं वो wool जो होता है उतना ही best माना जाता है। A fine wool like merino may have more than 40 क्रेम्स पर सेंटीमीटर, एक अच्छा वूल जैसे कि मेरिनो जो गुड क्वालिटी का वूल माना जाता है, इसमें लगभग 1 सेंटीमीटर में 40 से ज़्यादा क्रेम्स पाए जाता है, इसका मतलब ये बेस्ट क्वालिटी का वूल होता है। कैम्प और बियर्ड हेयर बाय कंट्रास्ट हैज़ लिटिल इफ एनी स्केल एंड नो क्रेम, दे हैव लिटिल एबिलिटी टू बाइंड टू इन टू यार। अब कैम्प और बियर्ड के बाल जो है उनके अंदर क्रेम्स कम पाया जाता है, या कभी कभी नहीं होते, होते हैं तो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, इस कारण इनके अंदर एक कमी होती है। किसकी कमी, इनको वूल से धागे यानी यान से धागे में कन्वर्ट, सॉरी फाइबर से धागे में कन्वर्ट होने की क्षमता कम होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था यानी इसकी बॉडी के जस्ट टच जो बाल होते हैं उनके अंदर क्रेम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इस वजह से वो अच्छे वूल माने जाते हैं, और इनके जो दाढ़ी के या बियर्ड के कैम्प के जो बाल होते हैं उनमें कॉन्ट्रास्ट कम पाया जाता है, या कह सकते हैं क्रेम्स कम होते हैं, इसलिए इनके अंदर कम क्षमता होती है यान में तब्दील होने की, यानी धागों में तब्दील होने की कम क्षमता होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैम्प ऑफ वूल कैम्प टू वूल वेराइज फ्रॉम बियर्ड टू ब्रेड टू ब्रीड, और रिलेटिव अमाउंट यानी कि कैम्प के अंदर यानी जो बियर्ड होती है वो हर ब्रीड के अंदर यानी ब्रीड का मीन होता प्रजाति, यानी हर शिप की हर जाति में डिफरेंट डिफरेंट होती है। दिस मेक्स सम फ्लीसेस मोर डिजायरेबल फॉर स्पिनिंग और कार्डिंग, और इसी कारण यानी हर जितने भी शिप होती है उनकी हर ब्रीड में अलग अलग टाइप के फ्लीसेस पाए जाते हैं, इसलिए ये कुछ ऐसे फ्लीस होते हैं जो स्पिनिंग और कार्डिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। आगे हैं द वूल इज जनरली क्रीमी वाइट इन कलर, वूल जो होता है साधारण कैसे होता है, वाइट और क्रीमी कलर का होता है। सम ब्रीड्स ऑफ शिप प्रोड्यूस वूल ऑफ ब्लैक ब्राउन और ग्रे कलर, और कुछ ऐसे ब्रीड होते हैं नस्लें होती हैं या प्रजातियों की शिप्स होती है वो ब्लैक ब्राउन और ग्रे कलर की वूल का भी प्रोडक्शन करती हैं।
The scales and plumes in the wool fiber help to grab each other so that they stay together. अब जैसा कि मैंने बताया था, जितने ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं वो वूल उतनी ही बेस्ट होती है। स्केल या क्रैम्प्स जो होते हैं यदि किसी भी वूल के अंदर पाए जाते हैं तो एक दूसरे वूल को आपस में जकड़ के रखने में और एक साथ रखने में मदद करते हैं। बिकॉज ऑफ द क्रैम्प्स द वूल फैब्रिक्स हैव ग्रेटर बल्क देन एनी अदर फैब्रिक। और इन्हीं क्रैम्प्स के कारण, इन्हीं गांठों, क्रैम्प्स को कहा जाता है गांठ है, यानी इन्हीं गांठों के कारण वूल जो होता है वो बाकी फैब्रिक की तुलना में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। दे कैन रिटेन लॉट ऑफ एयर एंड हैंस वूलन फैब्रिक्स आर गुड इंसुलेटर ऑफ इट। और इसी कारण ये क्या करते हैं, ज़्यादा हवा को अवशोषित कर पाते हैं और इन्हीं कारण वूलन फैब्रिक जो होते हैं उनको हीट का अच्छा इंसुलेटर, अच्छा वाहक माना जाता है। दिस सम अप फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल। और इसके अलावा वूल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हमें नीचे दी गई वो देखिए आप। ऑन अमाउंट ऑफ द क्रैम्प्स द वूल इज कंसिडरेबली रेजिलेंट। और वूल की आधार पर ही, ऑन अमाउंट ऑफ द क्रैम्प्स द वूलन इज कंसिडरेबली रेजिलेंट। और क्रैम्प्स के कारण ही, क्रैम्प्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती है, इसी कारण ही वूलन जो होता है थोड़ा लचीला, यानी काफ़ी लचीला होता है। इट हैज़ ए हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। और ये इसके अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में, उच्च मात्रा में टेंसिलिटी इलास्टिसिटी पाई जाती है। इट कैन अब्जॉर्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और ये अधिक मात्रा में पानी का अवशोषण कर लेता है। इट इज़ लाइट वेट एंड कैन बी इजिली ड्राइड। इसका वजन हल्का होता है और ये जल्दी सूख जाता है। इट इज़ ए हीट इंसुलेटर एज इट कैन ट्रेप वॉल्यूम ऑफ एयर। ये एक अच्छा हीट इंसुलेटर होता है, इसी के कारण ये क्या करता है, अधिक मात्रा में हवा को अवशोषित कर लेता है। ऑन अकाउंट ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज वुलन फैब्रिक्स हैव एबिलिटी टू रिटेन शेप बेटर देन द फैब्रिक्स मेड फ्रॉम द अदर नेचुरल मटेरियल्स। और इन्हीं गुणों के कारण वुलन फैब्रिक जो होते हैं उनके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी प्रकार के आकार को ग्रहण करने की। बाकी के नेचुरल मटेरियल से जो हमें फैब्रिक मिलते हैं उनकी तुलना में वुलन में एक किसी भी आकार को, शेप को प्राप्त करने की अच्छी क्वालिटी होती है। आगे है, डू यू नो द हीट इंसुलेटर प्रोवाइड बाई द एयर विथ इन द वूल वर्क्स बोथ वेज। बेडामाउंस नोमाड्स इन द डेजर्ट ऑफ अरेबिया यूज वूलन क्लॉथ टू कीप द हीट ऑफ सन आउट ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग नाइट द सेम वूलन क्लॉथ डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द बॉडी टू फ्लो आउट। क्या आप जानते हैं कि वूलन क्लॉथ जो होते हैं वो अच्छे हीट इंसुलेटर होते हैं, यानी हवा का अच्छा अवशोषण कर लेते हैं, हीट का अच्छा अवशोषण कर लेते हैं। यही कारण है कि बेडोम्स, यानी कि अरेबिया जो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, नोमाड से रहते हैं, घुमंतू लोग रहते हैं, वो दिन के समय भी वूलन क्लॉथ्स पहने रखते हैं ताकि रात के समय जब सर्दी हो, जैसा कि आप जानते हो डेजर्ट में क्या होता है, दिन में गर्मी होती है और रात में सर्दी होती है, तो दिन के समय स्वेटर पहन के रखते हैं, वूलन क्लॉथ्स पहन के रखते हैं ताकि रात के समय जो हीट उनकी बॉडी के अंदर वूलन क्लॉथ्स अब्जॉर्व कर लेते हैं वो रात के समय उनकी बॉडी से बाहर ना निकले और उनकी बॉडी को गर्म करता रहे। आगे, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब हमारा, हमने पढ़ा था वूलन क्लॉथ्स के बारे में, अब वूलन शिप से कैसे ब्रीडिंग और रियरिंग कैसे की जाती है, यानी उनसे क्या बोलते हैं, शिप से उनको कैसे प्राप्त किया जाता है वो देखिए। द चीफ सोर्स ऑफ वूल इज सेलेक्टिवली ब्रीड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अधिक मात्रा में जो हमें वूल मिलता है वो क्या मिलता है, घरों में जो शिप्स पाले जाते हैं उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अच्छी क्वालिटी का वूलन प्राप्त होता है, यानी अच्छी क्वालिटी का सोर्स होते हैं घरों में जो शिप्स पाली जाती हैं वो। सर्टन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ फ्लिश ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वान्टिटी। और कुछ ऐसे ब्रीड्स होती, कुछ ऐसी नस्लें होती हैं शिप्स की जिनकी बॉडी के ऊपर एक मोटा कोट पाया जाता है बालों का, जो क्या होता है अच्छी क्वालिटी की और अच्छी मात्रा में, क्वान्टिटी होता है मात्रा, क्वालिटी होती है गुण, जो अच्छे गुण की और अच्छी क्वालिटी और क्वान्टिटी की वूल हमें प्राप्त होती है। यानी कुछ ऐसी ब्रीड होती हैं जिनके ऊपर, ब्रीड ऑफ शिप्स होती हैं जिनकी बॉडी के ऊपर एक मोटा परत पाया जाता है उन वूल का, ताकि वो हमें, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की और अच्छी क्वांटिटी की वूल प्राप्त होती है। दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट बीइंग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड। दीज द क्वालिटी ऑफ फिश इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द न्यूट्रिशन, क्लाइमेट एंड केयर। और इस प्रकार की जो सेलेक्टिवली ब्रीड होती है ये अपने जो गुड क्वालिटी की हमें वूलन प्राप्त होती है ये इनके पेरेंट्स से भी मिलती जुलती। उसके अलावा
द क्वालिटी ऑफ फ्लीस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस, और उसके अलावा यानी कि वुलन की जो क्वालिटी है, यानी कि अगर किसी शिप की पेरेंट्स जो है उनके अच्छी क्वालिटी की वुल प्राप्त होती है तो ये नेचुरली है कि उनके जो यंग वंस होंगे उनकी जो वुल है उनके भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। और उसके अलावा वुल की क्वालिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, जिस प्रकार का उनका न्यूट्रिशन मिलता है, जिस प्रकार का उन शिप्स को भोजन दिया जाता है, जिस प्रकार के वातावरण में उनकी टेक केयर जैसे की जाती है, ठीक वैसे ही हमें वुलन प्राप्त होती है। इन समर हॉलीडेज इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड बाई रोड टू हिली स्टेट सच एज जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, यू मस्ट हैव नोटिस्ड शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स टू ऑफ शीप फॉर ग्राजिंग। यदि आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ट्रेवल किया है सड़कों से, आप हिली स्टेशन स्टेट्स की तरफ आपने गमन किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यदि इन स्टेट में आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि शेपर्ड जो चरावाहे जो है वो अपनी जो शिप्स होती हैं उनको झुंड में ग्राजिंग के लिए, घास चरने के लिए लेके जाते हैं। Sheep are herbivorous animal and grass all kind of grasses and leaves which are available in plenty in summer and rainy season। Sheep जो होती है वो herbivorous शाकाहारी होती हैं, तो क्या करती हैं वो सभी प्रकार की घासें खा सकती हैं, और उसके अलावा जो भी उनको गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में जिस प्रकार का भोजन उनको मिल जाता है, यानी पेड़ पौधे जिस प्रकार के उनको मिल जाते हैं वो उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं। इन विंटर द शिप आर किप्ड इनडोर्स एंड फेड ऑन मिक्सचर ऑफ ड्राई फोडर लीव्स पल्सेस जवार कॉर्न एंड ऑयल केक्स। और गर्मियों में तो क्या करते हैं उनके खुले में ले जाते हैं और जितना भी उसको घास फूस उनका मिलता है वो खा लेते हैं, और उसके अलावा सर्दियों में इनको इंडोर यानी घरों के अंदर रखा जाता है और उनको सूखा चारा खिलाया जाता है, पत्तियाँ खिलाई जाती हैं, दालें, जवार, मक्का, ऑयल केक ये सब खिलाए जाते हैं। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप आर रियर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग प्रकार की नस्लों की भेड़ों को अलग अलग हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में रियर किया जाता है, यानी उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज आल्सो डिफरेंट एंड पुट टू डिफरेंट यूजेस। और अब जैसा कि आप जानते हो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्रकार की वुलन सॉरी अलग अलग प्रकार के शिप्स की या अलग डिफरेंट टाइप्स के ब्रीड वाली शिप से अलग अलग प्रकार की ऊन प्राप्त होती है, तो उनकी क्वालिटी जो है वो भी डिफरेंट होती है। Show some of the common breeds of sheep reared in different states and the quality of wool obtained from them। और यहाँ एक टेबल दी गई, इस टेबल के अंदर अलग अलग ब्रीड की शिप्स के बारे में दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ अलग अलग प्रकार की शिप्स जो होती हैं उनकी ब्रीड कहाँ कहाँ उनको रियर किया जाता है और उनकी वुल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए नेम ऑफ ब्रीड, पहला जो कॉलम हमारा वो किसका है, ब्रीड का, यानी नस्लें, ये सभी नस्लें किसके, शिप की नस्लें, तो इनमें अलग अलग प्रकार की नस्लें जो दी गई है भेड़ों की। स्टेट वेयर रियर, यानी ये जो नस्लें हैं वो कौन कौन से स्टेट में रियर की जाती हैं, उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अब उन ऊनों की क्वालिटी देखिए, भाकरवाल, भाकरवाल जो होती है इसका रियर किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। भाकरवाल ये जो शिप होती है इनका रियर किया जाता है, इनसे यहाँ प्राप्त किए जम्मू एंड कश्मीर में इनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अब इस ऊन की क्वालिटी देखिए, फाइन क्वालिटी फॉर वुलन सॉल, वुलन सॉल जो होती है सर्दियों की जो शॉल होती है उनके लिए एक अच्छी क्वालिटी की वुल प्राप्त होती है किनसे, भाकरवाल से, और इनको रियर किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। रामपुर बुशहर और रामपुर बुशहर इनका देखिए, इनको उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ इनको रियर किया जाता है, और इनसे प्राप्त होने वाली ऊन देखिए, ब्राउन वुल फॉर वुलन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट्स यानी ब्राउन कलर की वुल प्राप्त होती है और इनका इस्तेमाल ब्लैंकेट बनाने में किया जाता है। नली, नली देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नली जो हमारे राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा, हमारे राजस्थान में जो शिप्स पाली जाती है वो नली पाई जाती है, राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा और इनमें भी इनका रियरिंग की जाती है। नली से जो प्राप्त होने वाली क्वालिटी है वुल की वो देखिए कैसी है, यूज टू मेकिंग कारपेट्स, और नली से जो वुलन प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल कारपेट बनाने में किया जाता है। आगे है लोही, राजस्थान, पंजाब, लोही का रियरिंग किया जाता है राजस्थान और पंजाब में। अब इसकी क्वालिटी देखिए, गुड क्वालिटी फॉर मेकिंग वुलन फैब्रिक, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और फैब्रिक्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मारवाड़ी, मारवाड़ी इस्तेमाल होती है गुजरात में, कोरस वुलन फॉर ब्लैंकेट, यानी कि जो दाढ़ी के बाल होते हैं रफ बाल होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है किसको बनाने में, ब्लैंकेट बनाने के लिए। पठानवाड़ी, पठानवाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है गुजरात में, यानी पठानवाड़ी को गुजरात में रियर किया जाता है। गुड क्वालिटी फॉर होजरी, यानी होजरी के जो आइटम होते हैं उनको बनाने के लिए पठानवाड़ी जो ब्रीड होती है उनसे
वुलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया था बच्चों, यहाँ हमने फाइबर जो होते हैं फैब्रिक कैसे बनते हैं, फाइबर फैब्रिक कैसे बनते हैं वो हमारा चैप्टर था। तो इसमें हमने थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन किसका किया, वुलन का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा या नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिस इंटू वुलन फैब्रिक, यानी कि जो हेयर होते हैं वुलन हेयर जो होते हैं वो वुलन फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज का आपका वर्क देखिए, आपको ये जो टेबल है ये टेबल अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करनी है और लाइन करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में कि बाकरवाड़ी कहाँ, इनको कहाँ रीड किया जाता है और इसकी वुलन की क्वालिटी कैसी होती है। तो इतना आज आपका होमवर्क रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। यहाँ हमने थर्ड चैप्टर को हाफ पढ़ा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक आगे का वर्क जो है वो कवर अप करेंगे। आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव अ नाइस डे।